जय श्री राम प्रेमी भक्तों, क्या आपको पता है मन ही भगवान है और वह कैसे? देखो भक्तों, मन के लिए बहुत कुछ लिखा हुआ है हमारे धर्म शास्त्रों में, ग्रंथों में, उपनिषदों में, और संत भी मन के बारे में बहुत कुछ कहते हैं। मन को बस में करो, मन को बस में करो, मन को बस में करो, लेकिन लोग यह समझते नहीं कि मन को बस में करना इतना आसान नहीं है। मन को बस में करने का मतलब है भगवान को बस में करना, और संतों ने मन के लिए क्या लिखा है थोड़ा ध्यान से सुनना। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, ही शब्द का प्रयोग किया है लिखने वालों ने। ही का मतलब है 100%। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। जब जब मन उजियारा फैले, जग उजियारा होए। अब प्रश्न ये आता है कि मन के अंदर उजियारा कैसे फैलता है, इसको थोड़ा बारीकी से समझना पड़ेगा। जब तक हमारा मन निर्मल नहीं है, यानी कि मल रहित नहीं है, तब तक उसके अंदर उजाला हो नहीं सकता है। इस संसार में यह मन अनंत जन्मों से भटक रहा है, इसलिए ये मल सहित हो गया है। इसके अंदर मल हो गया है, मैल हो गया है, गंदा हो गया है। जब तक यह शुद्ध नहीं होगा, तब तक ये मन ही है, और जब ये शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है, तो यही मन ईश्वर, भगवान, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु बन जाता है। इसी के लिए कहा भी गया है कि निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह छल छिद्र कपट नहीं भावा। यानी कि जिसका मन निर्मल होगा, भगवान कहते हैं, वह मुझे प्राप्त कर सकता है। तो इस मन को जब तक हम निर्मल नहीं करेंगे, तब तक हम इस मन के अंदर भगवान की मूर्ति को नहीं देख सकते, उस परमपिता परमात्मा को नहीं देख सकते। तो इसके मैल को साफ करने के लिए, इसको निर्मल करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें नाम जप करना होगा, और वह भी प्राण जप करना होगा। अगर हम निरंतरता से, एकाग्रता से अगर हम प्राण जप करते हैं, तो यह मन निर्मल होकर के और ईश्वर बन जाता है। और जब मन ईश्वर बन जाता है, तो आप समझते ही हैं कि भक्त के बस में है भगवान, भक्त के पीछे पीछे भगवान घूमते हैं। यानी कि जब ये मन निर्मल हो जाएगा, जिसका भी हो जाएगा, उसके पीछे पीछे भगवान स्वयं घूमते हैं। क्योंकि बड़ा बड़ा स्पष्ट कहा है कि भगवान भक्त के आगे पीछे घूमते हैं। उसके लिए जरा सी भी कोई बात होती है तो नंगे पैरों दौड़े चले आते हैं। कितने ही उदाहरण इस तरह के हैं। तो भक्तों, आप यह निश्चय समझ लें कि वास्तव में मन भगवान है, लेकिन भगवान ये मन कब होता है? जब यह निर्मल हो जाता है। तो इसको निर्मल करने के लिए आप निरंतर नाम जप करें, और जब इसमें एकाग्रता आएगी, तो यह वही है जिस को हम ढूंढ रहे हैं। क्योंकि मन ही हमें मोक्ष प्रदान करवाता है, और मन ही हमें नरक के लिए ले जाता है। तो इसलिए आज आपने समझ लिया होगा कि मन ही भगवान है। आशा करते हैं आपने सुन करके और समझ करके आप इस मन को निर्मल करने का अवश्य ही अवश्य 100% जरूर यह साधना करेंगे,
और मन रूपी भगवान को अपने अंदर हर समय निर्मल करने के बाद में उससे जुड़े रहेंगे। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।